सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। वार्ड नंबर 9 में हो रहे पार्षद पद के चुनावों को लेकर सभी उम्मीदवार अपनी अपनी चुनावी मुहिम में लगे हुए हैं। वह रोजाना वार्ड निवासियों का इकट्ठ करके बैठकों का दौर जारी है, मगर अब जैसे जैसे 24 तारीख नजदीक आ रही है और चुनावी प्रचार का भी आखिरी दिन होने की वजह से उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। इसी के चलते बीती देर शाम वार्ड नंबर 9 की गांधी कॉलोनी में किंगर परिवार व चौधरी परिवार ने अब तक की सभी बैठकों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सैकड़ों लोगों का इकट्ठ कर कांग्रेसी उम्मीदवार नरेंद्र शास्त्री का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें वार्ड नंबर 9 ही नहीं बल्कि राजपुरा नगर कौंसिल में सबसे अधिक वोटों से विजयी पार्षद बनाकर नगर कौंसिल का प्रधान बनाने का भी वायदा हाथ उठाकर किया। देर शाम हुई किंगर परिवार व चौधरी परिवार की बैठक में जाने से पहले कांग्रेसी उम्मीदवार श्री नरेंद्र शास्त्री, पूर्व प्रधान श्री रजिंदर राजा, पूर्व पार्षद राकेश मेहता, योगेश कुमार गोल्डी, देवकी नंदन, मनोहर लाल जी वर्मा सहित सीनियर कांग्रेसी नेता, वार्ड में ही रहने वाले पुराने कांग्रेसी नेता श्री विजय किंगर जी के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां किंगर परिवार की ओर से श्री सेवक राम जी ने कांग्रेसी उम्मीदवार श्री नरेंद्र शास्त्री को अपना आशीर्वाद दिया। इसके बाद श्री नरेंद्र शास्त्री पहुंचे वार्ड नंबर 9 में श्री शनिदेव मंदिर के नजदीक श्री जगदीश कुमार किंगर परिवार की ओर से रखी बैठक में, जहां सबसे पहले किंगर परिवार की ओर से कांग्रेसी उम्मीदवार श्री नरेंद्र शास्त्री का भव्य स्वागत किया गया। वह एक के बाद एक वार्ड निवासी ने उक्त बैठक में कांग्रेसी उम्मीदवार के हक में आने वाली 24 तारीख को वोटे डालने की अपील करते हुए कहा कि टाइम होने बावजूद भी उन्होंने शास्त्री जी के प्रति इतना रिस्पेक्ट है भी वो अपना काम कार घर में छोड़ के इस मीटिंग में आई बैठे हैं। ये जिहड़ा वोट है इस बार अलग टाइप का वोट है। राजपुरा के इतिहास में इस तरह का वोट पहला कभी नहीं पिया। क्यों एमसी बनने तो पहला जे कोई प्रधान नॉमीनेट हो जाए तो एक बहुत वड्डी गल है जिहड़ी कि तुहाडे वास्ते खुशी की गल है। वार्ड नंबर 9 के लोगों ने सिर्फ वार्ड नंबर 9 का एमसी नहीं बनाना बल्कि पूरे राजपुरा का प्रधान बनाने की तुहानू पावर है। यह पावर सिर्फ वार्ड नंबर 9 में है लोगों को है। इस करके मैं इन्होंने बधाई का पात्र कहना भी जेड़े राजपुरे वास्ते एक बहुत ही वधिया प्रधान बनान लगे हैं। गंगा प्रधान जी ने इन्ने वोटा तो जिताओ कि इन्हों महसूस हो कि यार असि इन्हों कोई मान सत्कार दिता है जितना था इन्होंने है हूं आप इन्होंने लीड वास्ते जितया बस इन्होंने लीड बधाइए इन्होंने। थैंक यू। जिथे जिथे तुम जा रहे हो बहुत वधिया अपने रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। सारे कह रहे भी आप जितेंगे जितना जब तुम पहले दिन सू पता लगे शास्त्री जी साढ़े वार्ड आ गए जित तो उड़न हो गई थी। असि यह दिखा रहे थानू वार्ड नंबर 9 देखो तुम मतलब आपको यह देख रहे लीड आप कि मतलब 150 या 200 वोटा मेरे ख्याल आप देनिया उन्होंने इस तो ज्यादा नहीं 200 वोटा उधर पैनगिया बाकी तुम लीड अपना पता लगेगी लीड 9 नंबर वार्ड तुम किड तो जिताएगी। हम शास्त्री जी ने यह दिखाना है वार्ड नंबर 9 तो सारे अपने हैं लेकिन शनि सेवा दल श्री गणपति सेवा समिति और जेडे अपने 5 साल गलिया शास्त्री जी इस गली के एक ही वोट तुम दिखावे भी तुम वोट किन्नी पी है और यह साडा प्रोमिस है तुम वार्ड नंबर 9 वालों तुम याद करोगे भी इन्नी लीड मेरे ख्याल राजपुरे नहीं पूरे पंजाब के एमसी ने मिली होगी जिन्नी शास्त्री जी दूजे कैंडीडेट को हरा सा वादा है तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ श्री जगदीश कुमार जी किंगर काली जी और लक्की जी का। आप सबसे पहले दो जय घोष करेंगे सूर्य पुत्र शनि देव की सूर्य पुत्र शनि देव की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो ये बहुत ही अहम चुनाव है आपकी एक एक वोट से प्रधान बनेगा। पहले तो लोग एमसी का चुनाव करते थे अब ये प्रधान का चुनाव है हमारे लिए तो आपको बहुत भली भांति जानते ही हैं कि जो ही अच्छा कैंडिडेट होगा वो ही इस म्यूनिसिपल कमेटी का प्रधान बनेगा। और आप जैसे ही किसी चीज को खरीदने के लिए परखते हैं देखते हैं कौन सी चीज अच्छी है और किसको लेना है कोई भी हम सब्जी मंडी में कोई भी चीज लेने चले जाए तो हम ऊपर नीचे करके देखेंगे
कोई दुकानदार हमें गलत चीज तो नहीं दे रहा, इसलिए हम अपनी मर्जी से अपना ही चुनाव कर रहे हैं। इसलिए परखो कैंडिडेट कौन अच्छा है, कौन हमारे काम कर सकता है और किसकी चलती है। लहर के हिसाब से चलना चाहिए, हमें किसी के विरुद्ध चलने की वो आदत मत बनाओ, क्योंकि हमारे काम अपना ही कैंडिडेट कर सकता, दूसरा कैंडिडेट कोई भी नहीं कर सकता। अगर हम हवा के विरुद्ध चलेंगे तो हमें पीछे धकेल कर ले जाएगी, हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जीते तो है ही है पर प्रधान भी हमने उनको बनाना है। ये आपका प्रधान की का चुनाव है, एमसी का चुनाव नहीं है। एमसी से पहले तो उनसे उनके पास उससे भी पहले पावर है, एमसी चुनाव उनको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, प्रधान की का चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैं सभी से स्पष्ट यही शब्दों में कहूंगा, एक एक वोट यही अपने पास हमारी पावर है। हम किसी को गाली नहीं देते, किसी को कुछ नहीं करते, जो कहते हैं कहने दो, हमें किसी से कोई टकराव नहीं करना, किसी का कोई बहस नहीं करनी, अपने पास अपनी ताकत है। उसको शनिवार जाओ अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर, बटन दबाओ और अपने प्रधान को कामयाब बनाओ, जो हमारे प्रधान होंगे नरेंद्र शास्त्री जी। आपसे सभी से प्रार्थना है कि उनके पक्ष में वोट डालकर नरेंद्र शास्त्री जी को कामयाब बनाओ। धन्यवाद, जय घोष जरूर करेंगे जोर से, नरेंद्र शास्त्री। ये कोई मजा नहीं आया, ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके नरेंद्र शास्त्री, नरेंद्र शास्त्री, नरेंद्र शास्त्री। धन्यवाद साडे सपोर्टर साहबान जिन्होंने अज मीटिंग का प्रबंध करके सानू अपनी अपील साडी रिक्वेस्ट जिहड़ी तुहाडे चरणां दे विच है उहनूं करन दा मौका दित्ता है। सब तो पहला मैं थोड़ा सारिआं दा बहुत ही दिली तौर ते धन्नवाद करदा हां। बातां नूं परखदे होए थोड़े पहले चुने हुए म्युनिसिपल काउंसलर राकेश मेहता जी ने अपनी सीट छड्ड के सरकार पक्षी फतवा लैण लई अपने आप नूं थोड़े विचों नठाया नहीं, थोड़े विचों नठे नहीं, उन्होंने एक ऑफर दिती है कि अज दी तरीक दे विच सरकार नाल सही तालमेल अगर कोई रख सकता है तां ओह मेरा छोटा भाई नरेंद्र शास्त्री, जो कि बड़े चिरां तों उस पार्टी दे नाल जुड़िया होया है, ओहदी गल दी सुनवाई पहल दे पद्धर दे होई। साडा परिवार शहर दे नाल जुड़िया होया है, जिवें जिवें तुसीं ताकत बख्शी असीं कदे वी ओहदी दुरवरतों नहीं कीती, लोकां दे हित लई काम कीते ने। मैं यकीनी तौर ते थानूं इह विश्वास दवा सकदा हां कि मेरा छोटा भाई मेरा जी नरेंद्र शास्त्री भी अपने परिवार दी रीति रिवाजां मुताबक थोड़ियां आसां ते खरा उतरेगा। इन्ना विश्वास दवांदे होए मैं थोड़े तों आस रखदा कि तुसीं वध तों वध वोटां पा के मेरे छोटे भरा नूं जिताओगे। धन्नवाद, जय हिंद। सारे भैन भाइयों का, अपने दोस्तों का, सारे का धन्यवाद करता। मेरी एक आवाज से सारे इतने इकट्ठे हो गए और शास्त्री जी ने तुम्हें दिखा दिता है कि भाई पूरे पंजाब को तुम ज्यादा तो ज्यादा लीड राजपुरे च पाओगे। नौ नंबर फिर शास्त्री जी प्रधान नहीं होंगे, थोड़े सारे बच्चे प्रधान होंगे। किंगर परिवार द्वारा रखी गई बैठक के बाद कांग्रेसी उम्मीदवार पहुंचे कस्तूरबा रोड पर, जहां कांग्रेस पार्टी के हक में इकट्ठे हुए वार्ड निवासियों का भारी इकट्ठ देखकर जहां कांग्रेसी उम्मीदवार नरेंद्र शास्त्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, वहीं उक्त बैठक ने अब तक की सभी बैठकों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। चौधरी परिवार की ओर से रखी इस बैठक में कांग्रेसी उम्मीदवार श्री नरेंद्र शास्त्री व पूर्व प्रधान श्री रजिंदर राजा का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस बैठक में सभी वार्ड निवासियों सहित चौधरी परिवार के लोगों ने कांग्रेसी उम्मीदवार के हक में वोटें डालने की अपील अपने ही अंदाज में की। एक बात कहनी आप सबसे कि जब मैं यहाँ आया था इन्होंने मुझे ये फ्लैग दिया है कांग्रेस पर, तो मैंने इससे कहा है कि इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम माय पॉकेट, ये मेरे जेब से नहीं आ रहा, ये मेरे दिल की आवाज से आया, तो इसलिए एक आवाज है।
जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि इट शुड नॉट कम फ्रॉम द पॉकेट, इट शुड कम फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। अगर ये आपके दिल की आवाज से आता है तो आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि ये छात्री जी जीत जाएंगे। जीतेंगे नहीं, ये इलाके की तरक्की के लिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसे आदमी आगे आने चाहिए जिससे हमारे इलाके की तरक्की हो। और ये भी कहेंगे मैं करूंगा, इनको इनसे करना नहीं इनसे कराना है। कब कराएंगे? जब इनको जिताएंगे। पहले आप हम अपना फर्ज निभाए फिर ये अपना फर्ज निभाए। तो इन सबों के साथ मैं एक बात कहता हूं कि शास्त्री जी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं, मेरा हर बच्चा चाहे वो मेरे से छोटा है चाहे वो मेरे से बड़ा है आपके साथ खड़ा है और हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे खड़े हैं जैसे एक पहाड़ किसके साथ खड़ा हो। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ यही कहूंगा, सबसे कहूंगा जो भी यहां आए हैं खुले दिल से इनको वोट डालो। और हमारी जीत तब है जब हम एक एक करके बूंद करके दरिया बनता है, तो हमने इनको दरिया बन के दिखाना है और इनको 24 तारीख को जिताना है और जिता करके वोट डाल करके फिर हमने कहना है कि छात्री जी हमने आपका काम कर लिया, आप हमारा काम कर लिया। होमवर्क मार के पहुंचे हुए पैरों से भरावो, मैं थोड़ा सब का बहुत दिलों सत्कार करती हूँ। मैं मनजीत चौधरी थोड़े सब का बहुत स्वागत कर रही हूँ। मैं रेडी हाँ थोड़े सब दी कि तुम अपने कीमती समय के अपना थोड़ा जा कीमती समा कढ़ के साढ़े वीर नरेंद्र शास्त्री नूं सन्मान बख्शिया है। नरेंद्र शास्त्री जी साढ़े एक बहुत ही समझदार तजर्बेकार सुलझे हुए व्यक्ति ने, इसलिए साढ़े वार्ड नूं साढ़े शहर नूं एक समझदार एक तजर्बेकार सुलझे हुए व्यक्ति की जरूरत है ताकि साढ़े शहर का विकास हो सके, साढ़े वार्ड का विकास हो सके। इस करके आपा सब ने इन्हां नूं वोट पानी हैगी है ते इन्हां नूं बहुमत भी जिताना हैगा ते ताई होएगा जेकर आपा सारे अज एकजुट हो के इन्हां नूं वोट पाईए, क्योंकि वोट तां आपा सब ने पानी ही है। फिर क्यों ना एक अजिहे व्यक्ति नूं पाई जाए जिहड़ा कि बहुत ही समझदार होए ते साढ़े सुख दुख का साथी होए। और तुसीं जिवें कि इन्हां नूं पहलां जाणदे हो कि साढ़े शहर दे इक मन्ने परमन्ने व्यक्ति ने, उह साढ़े सुख दुख च साढ़ा साथ दिंदे ने। इसलिए चौधरी परिवार वालों चप्पू जी वालों चाचा जी गुरु और सभी से ये अपील करता हूँ कि एक एक वोट वार्ड का शास्त्री जी को दें। इन्होंने हमें इनको हमने जिताना नहीं है, इनसे हमने काम भी कराना है और इनको हमें प्रधान भी बनाना है। मेरे बुजुर्ग भराओ माताओं बहनों अते साढ़े बहुत ही सत्कार योग सारे ही सारिया के ही हरमन प्यारे साढ़े 9 नंबर वार्ड के उम्मीदवार श्री नरेंद्र शास्त्री जी ते सारा ही चौधरी परिवार, मैं सिर्फ तुहानू ये दसना चाहता कि मैं अस्तीफा क्यों दिता। वार्ड नंबर 9 ने तुसी सारिया ने इत्थों मैनू जिता के भेजा सीगा, तुहाडा एहसान जिहड़ा हैगा मैं सारी जिंदगी नहीं ला सकता। तुहाडे एहसान नूं चुकाउण वास्ते मैं अपने वार्ड की तरक्की वास्ते ही जो गुण नरेंद्र शास्त्री जी दे कोल ने वो किसे होर कोल नहीं है। जब दा प्रवीण चावड़ा जी ने इस्तीफा दिता सीगा राजपुरे का विकास कम सारा रुकया होया सीगा, मैं आप ही इन्हां नूं ऑफर करी। मैं कहा शास्त्री जी मेरे इलावा 3-4 होर बंदे भी सीगे जेड़े अपना वार्ड खाली करन नूं तैयार सीगे, शास्त्री जी नूं उत्थे लड़ान वास्ते तैयार सीगे, पर मैं कहा शास्त्री जिहड़ा मेरे वाला वार्ड हैगा ना 9 नंबर वार्ड दे विच बहुत ही तुहानूं वधिया वोटां तों जिता के भेजांगे राजपुरे दी तरक्की वास्ते। नरेंद्र शास्त्री जी दा प्रधान बनना बहुत जरूरी हैगा क्योंकि उहनां दी अपने MLA साहब नाल बहुत ज्यादा नेड़ता है, जिन्ना फंड शास्त्री जी लिया सकते ने वो कोई होर नहीं लिया सकता। मैं तुहानू ये विश्वास दवांदा कि मैं हमेशा तुहाडे नाल शास्त्री दे नाल रह के तुहाडी सेवा दे विच 24 घंटे हाजिर रहांगा। कई बंदे अफवाह उड़ा रहे हैं
कि वह इतों बच गया, कदे नहीं बचागा मैं थोड़े बिच ही रहना है, कितने नहीं जाता मैं बस इन्ना कहता हूँ। थोड़ा जहा हो सकता है कईयों नूं मेरा डिसीजन लगे भी गलत है, लेकिन तुसी आप कहोगे जिस टाइम अपना वार चमकना है, अपना रायपुरा चमकना है, फिर तुसी याद करना है भी राकेश मेहता जी ने सब तो वधिया काम यह करिया कि इतों इस्तीफा दे के सानू मौका दिता है कि असी इहो जिहा बंदा चुनिया है जिन्हें रायपुरे दे रायपुरे साडे वार दा इहो जिहा विकास कराया है, तुसी सारे याद रखोगे। मैं हुण बस एक छोटी जी तुहाडे अगे हथ जोड़ के बेनती करदा कि आने वाली 24 तरीक नूं अपना एक एक कीमती वोट नरिंदर शास्त्री नूं पा के आपां इत्थों इन्नियां वोटां। अब आज के बाद वार्ड नंबर 9 में बैठकों का दौर लगभग समाप्त हो जाएगा, मगर न्यूज 89 के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 9 के पचरंगा चौक में आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस पार्टी की ओर से जो रैली रखी गई है, जिसमें हलका विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज सहित कई बड़े नेताओं के आने की खबर प्राप्त हुई है। इस रैली में सैकड़ों लोगों के इकट्ठ होने की संभावना भी बताई जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही है। अब बस इंतजार है 24 फरवरी का, जब वोटर अपना फैसला सुनाएंगे और अपना मनपसंद पार्षद चुनेंगे। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।